हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज दिल्ली के ऐसे ऐतिहासिक जगह पे आया हूँ, महरौली। तो महरौली आया हूँ दोस्तों आप सभी को ऐसी मस्जिद दिखाऊँ जो कि लोदी काल के दौरान मस्जिद बनी हुई थी और आज भी काफ़ी खूबसूरत सी है। और इसके सामने देख सकते हो जो गुंबद है, और इसके अंदर चलेंगे आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे। दोस्तों बता दें, इसके इतिहास के बारे में तो ज़्यादा कुछ जानकारी कहीं पे भी नहीं है और इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इतिहासकारों का मानना है कि ये लोधी वंश ने इसको लोधी काल के दौरान बनाया गया था। दोस्तों इसके बाद देख सकते हो आप सब, यहाँ पे पढ़ सकते हो हमारे पीछे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है। इसका कोई टिकट नहीं है दोस्तों, जब आप मेट्रो स्टेशन करोगे ना कुतुब मीनार, वहाँ से आप सीधा यहाँ तक आ सकते हो पैदल। तो चलेंगे दिखाएंगे, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ से दिखाते हैं आप सभी को दोस्त, और लेके चलेंगे अंदर आप सभी को, ऊपर दिखाएंगे जो कि माधवी मस्जिद है, काफ़ी फेमस मस्जिद है। और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों काफ़ी ऊंचाइयों पे है, और आप सभी को दिखाऊंगा। हमारे पीछे देख सकते हो चबूतरा बना हुआ है, इस पे जो है दोस्तों बहुत सारे कबूतर और पक्षियों को कुछ खिलाने के लिए लोग यहाँ पे दाने डालते हैं दोस्तों। चलेंगे, देख सकते हो यहाँ काफ़ी ऊंचाइयों पे इसकी सीढ़ियाँ है, और इसी से ऊपर चल के आप सभी को दिखाएंगे। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो जो कि लोधी काल का ये मस्जिद जो है काफ़ी प्यारा सा है, और आज भी इसकी जो पत्थरे हैं, इसकी इमारतें हैं और इसकी डिजाइनिंग है काफ़ी देखने लायक और काफ़ी बेहतरीन सी है। यहाँ पे देख सकते हो इधर जो है गेट रहा, और चलेंगे ऊपर आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। देख सकते हो काफ़ी ऊँचाइयों पर है, और ये रोड रहा महरौली का गाँव है दोस्तों, देख सकते हो आप सब। इसकी डिजाइनिंग देख सकते हो काफ़ी उस जमाने में इसकी जो निकासियाँ की गई थी काफ़ी सुंदर सी। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उर्दू में किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अरबी में, तो आप सब पढ़ सकते हो जो भी लैंग्वेज होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो देख सकते हो इसकी डिजाइनिंग आज भी लगभग कितने सालों से हैं, और लोधी काल की ये डिजाइनिंग जो लोधी काल का दिख रहा है आप सभी को, कितना बेहतरीन ढंग से इसको उस समय बनाया गया था। और इसके ऊपर की देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो आप सब कितनी अच्छी सी सुंदर सी डिजाइन है, और आज भी इतने वर्षों के बाद ये सब सुरक्षित पड़े हुए हैं, काफ़ी डैमेज भी हो चुके हैं दोस्तों। और हर जगह देख सकते हो ये इसकी डिजाइनिंग लोधी काल को दर्शाती है दोस्तों। और ये जो है मस्जिद के पहले है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एंट्री जब हम लोग करेंगे ना अभी, तो देख सकते हो यहाँ पे सारे जो यहाँ पे बने हुए हैं काफ़ी सुंदर से। अब चलेंगे आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों बहुत ही सुंदर सी मस्जिद, ये देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और दिखाऊंगा आप सभी को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कितनी ऊंचाइयों पे है, और कितने सारे यहाँ पे कबूतर हैं दोस्तों। यहाँ पर लोग दाने डालने आते हैं, देख सकते हो कबूतर, बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे कब्र है और दो तीन लोगों की, क्योंकि बहुत ऊंचाइयों पे है ये कब्र दोस्तों, इसी के ऊपर जो है लोग दाने इन कबूतरों के लिए डालते हैं दोस्तों। बहुत सारे यहाँ पे कबूतर हैं दोस्तों, और चलेंगे दिखाएंगे इस मस्जिद को उस जमाने का, आज भी जो खूबसूरत सी इसकी निकासी और इसकी जो डिजाइन है वो भी लोधी काल को दर्शाती है दोस्तों, क्योंकि लोधी काल में उनके जब उनका राज था, हुकूमत थी यहाँ पे, तो उन्होंने बनवाया था इसको दोस्तों। और चलेंगे दिखाएंगे आप सभी को अंदर भी, ये देख सकते हो खूबसूरत सी डिजाइन इसकी देख सकते हो, और सेम जैसे है जैसे इसका है वैसे आगे वाले का भी वैसे उसका है, एक ही आकार का दोस्तों। इधर दिखाएं, इधर से पीछे वो पार्क दिखेगा। और चलेंगे आपको दूसरे वाले पे लेके, दोस्तों आप सब बताना कमेंट करके जरूर, क्योंकि यहाँ पे जो लिखे गए हैं वो सारे टूट चुके हैं, क्योंकि उतने काफी साल पुराने हैं, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया था उर्दू में, तो टूट चुका है दोस्तों।
और यहाँ का जो लुक है ना दोस्तों, काफ़ी सुंदर सा आता है। और जो हमारे सामने जो कब्रें दिखाए थे हमने, ये सामने है और उसके सामने एक गुंबद है बड़ा सा, देख सकते हो, जिससे हम लोग अभी अंदर आए थे। तो आप सब देख बताना कितना खूबसूरत सा है। और चलेंगे इसके तरफ, आप सभी को दिखाते हैं एक झलक। तो गाइस देख सकते हो ये जो पत्थर है, और पत्थर पे कैसे बना हुआ है उसी ज़माने का, आज भी यहाँ से 1% भी हिस्सा इसका डैमेज नहीं हुआ है दोस्तों। जो भी हुआ है दीवारों से हुआ, वो ऊपर देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं दोस्तों, 400-500 साल से ज़्यादा हो गया ये। 1451 में लोधी यहाँ पे आए थे और 1500 कुछ ईस्वी तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया था दोस्तों। तो उसके बाद अकबर ने उन्हें बुरी तरह के तरीके से हरा के दिल्ली पे मुगलीय सल्तनत उन्होंने चलाया था दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो उस समय की, उस जमाने की, और आज भी ऐसे बेहतरीन से मौजूद है यहाँ पे। कितने वर्षों से ज़रा भी अभी डैमेज नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़े थोड़े लगते हैं लेकिन अभी पूरा उसी तरीके से काफ़ी बेहतरीन सा है दोस्तों। यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बहुत ज़्यादा ही कबूतर रहते हैं दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे। और एक दिखाऊंगा खुफिया राज, जो कि वो बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये आटा डाला गया है चींटियों के लिए, हर जगह लोग डालने आते हैं यहाँ पे। और इसके पीछे देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सुंदर सा है। और यहाँ पे सीढ़ी गई है, देख सकते हो सीढ़ी। यहाँ पे अंदर जाने के लिए इसका कुछ खुफिया राज था, क्योंकि जो वो अभी इस समय नहीं है, बंद कर दिया गया है दोस्तों। ये देख सकते हो इसका